एएसआई द्वारा आगरा के ताजमहल में प्रतिबंध लगाने के बावजूद नमाज पढ़ने के बाद तनातनी बढ़ गई है। अब इस विवाद में बजरंग दल भी कूद पड़ा है और ऐलान किया है कि वो भी ताजमहल परिसर में पूजा पाठ करेगा। दरअसल एएसआई के बैन को ठेंगा दिखाते हुए ताजमहल इंतजामिया कमेटी के सदस्यों ने मंगलवार को ताजमहल परिसर में नमाज पढ़ी थी। हालांकि वजू टैंक में रोज की तरह ताला ही लगा रहा और नमाजियों ने नमाज पढ़ने से पहले पीने के पानी से खुद को साफ किया। इस दौरान पुरातत्व विभाग के अधिकारियों ने उन्हें रोकने का भी प्रयास किया, लेकिन वो नहीं माने। ताजमहल के अंदर नमाज पढ़ने का ये वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 19 जुलाई 2018 को आदेश दिया था कि सिर्फ शुक्रवार को ताजमहल मस्जिद में नमाज अदा हो सकती है। बावजूद इसके मंगलवार को कुछ लोग ताजमहल पहुंच गए, जिनमें से आधा दर्जन लोगों ने नमाज अदा की। इस बीच इस विवाद में हिंदूवादी संगठन बजरंग दल भी कूद चुका है। बजरंग दल से जुड़े गोविंद पराशर ने कहा कि जब उन लोगों ने ताजमहल में आरती की मांग की थी तो उन्हें इसकी इजाज़त नहीं दी गई थी। अब कैसे लोग नमाज पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम भी अब पूजा करेंगे। इस खबर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल हेडलाइंस यूपी को भी सब्सक्राइब कीजिए।